दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स को लेकर आ गई है खुशखबरी, क्योंकि अब स्टाफ नर्स जो हैं वो नर्सिंग अधिकारी कहलाएंगी। शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित भी कर दिया है। आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाऊंगा और शासनादेश भी बारीकी से समझाऊंगा। क्या नर्सिंग अधिकारी बनने के बाद इनके वेतन में भी बढ़ोतरी होगी या फिर नहीं होगी, ये भी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट करना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा यूपी स्टाफ नर्स न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। ये भी बताइएगा आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, किस स्टेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, बताइएगा। दोस्तों, ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित कर दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने शासनादेश जारी करके जानकारी दे दी है कि भाई अब स्टाफ नर्स जो हैं वो नर्सिंग अधिकारी कहलाएंगे। मैं आपको एक पहले न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा शासनादेश दिखाऊंगा, ठीक है? आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, ये जो कटिंग है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की है, लिखा है स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अधिकारी कहलाएंगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई नर्सिंग संवर्ग, फार्मासिस्ट संवर्ग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के विभिन्न पदों के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संतुति पर लिए गए निर्णय के संबंध में शनिवार को वित्त विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया, जिसमें स्टाफ नर्स का नाम संशोधित करते हुए नर्सिंग अधिकारी कर दिया गया है। इनके वेतन मैट्रिक्स लेवल को यथावत रखा गया है, यानी कि भाई नाम तो बदल दिया लेकिन वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है वो सेम रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ठीक है? अब मैं आपको शासनादेश दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, शासनादेश की जो कॉपी है वो मैं अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जब आप लोग फेसबुक पेज पर विजिट करें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में इस तरह के जो आदेश आए वो आपको मिलते रहें सबसे पहले। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसके प्रेषक हैं शासनादेश के दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और ये भेजा गया समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। वित्त अनुभाग 2 के द्वारा ये शासनादेश रिलीज किया गया 21 सितंबर 2024 को। विषय दे रखा है नर्सिंग संवर्ग के संबंध में मुख्य सचिव समिति की संतुति में लिए गए निर्णय के संबंध में। महोदय, वेतन समिति 2016 के द्विवित्तीय प्रतिवेदन के माध्यम से दी गई संतुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा विचार कर प्रदान की गई संतुतियों पर लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल महोदय द्वारा सम्यक विचार उपरांत निम्नवत निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है? क्या निर्णय लिए गए? नंबर 1, प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग में उपलब्ध विभिन्न स्तर के पदों पर दिनांक 1 जनवरी 2016 से अनुमान्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स को यथावत बनाए रखे जाएंगे। तो वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है वो नहीं बदला गया है, ठीक है? आपका वेतन वही रहेगा, केवल आपका पदनाम बदला गया है, ठीक है? नंबर 2 पर देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा, प्रदेश में नर्सिंग संवर्ग के पदों पर निम्न तालिका के स्तंभ 2 के अनुसार निर्धारित वर्तमान पदनामों के स्थान पर स्तंभ 3 के अनुसार पदनाम निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए कौन कौन से पदनाम है यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं। स्टाफ नर्स का दोस्तों देखिए, आपको दिख रहा होगा नंबर 1 पर है स्टाफ नर्स, ठीक है? स्टाफ नर्स जो है वो अब आप देख सकेंगे नर्सिंग अधिकारी के नाम से जानी जाएगी, ठीक है? स्टाफ नर्स जो है वो नर्सिंग अधिकारी के नाम से जानी जा रही है। और नंबर 2 पर दोस्तों हैं नर्सिंग सिस्टर या नर्सिंग वार्ड मास्टर, ठीक है? ये कहलाएंगे सीनियर नर्सिंग अधिकारी। क्या कहलाएंगे? सीनियर नर्सिंग अधिकारी, ठीक है? नंबर 3 पर और नंबर 4 पर, नंबर 5 पर और नंबर 6 पर जो हैं सहायक नर्सिंग अधीक्षक, उप नर्सिंग अधीक्षक, नर्सिंग अधीक्षक और मुख्य नर्सिंग अधीक्षक, इन चारों के बदलाव कोई नहीं किया गया, इन चारों का नाम वही है। बस 2 बदलाव किए गए हैं, पहला स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकारी कहा गया है, दूसरा जो है वो नर्सिंग सिस्टर है और नर्सिंग वार्ड मास्टर है उनको सीनियर नर्सिंग अधिकारी कहा गया है, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने नीचे की तरफ लिख दिया, केंद्र सरकार से समरूपता के अनुरूप प्रदेश के नर्सिंग संवर्ग में नर्सिंग अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु नर्सिंग में BSc ऑनर्स के साथ 6 माह का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ 2.5 वर्ष का अनुभव की अर्हता निर्धारित की जाएगी, ठीक है? तो 6 माह का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ 2.5 वर्ष का अनुभव की अर्हता निर्धारित की जाए, तो ये BSc ऑनर्स के साथ, ठीक है? BSc ऑनर्स के साथ जो केंद्र सरकार के समरूप है,
ठीक है, जो केंद्र सरकार ने किया था वही अब प्रदेश सरकार ने भी कर दिया है कि नर्सिंग संबंध में जो नर्सिंग अधिकारी के पद की भर्ती होगी उसमें बीएससी नर्सिंग के साथ साथ 6 वर्ष का अनुभव या नर्सिंग में डिप्लोमा के साथ 2.5 वर्ष का अनुभव की अर्हता निर्धारित कर दी गई है, जैसा कि केंद्र सरकार ने पहले ही कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अब ये अर्हता जो है वो निर्धारित कर दी है नर्सिंग अधिकारी के लिए, ठीक है। तो अब जो स्टाफ नर्स हैं वो नर्सिंग अधिकारी के नाम से जानी जाएंगी, लेकिन वेतन में कोई बदलाव नहीं किया गया। वेतन मैट्रिक्स लेवल जो है वो वही रहा है जो अभी चल रहा था, ठीक है। एक अच्छी खबर आई है भाई, पदनाम में बदलाव कर दिया गया, शासन ने शासनादेश भी जारी कर दिया, शासनादेश की कॉपी आप मेरे फेसबुक से ले सकते हैं। दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपनी भी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।